Yes. Firstly, welcome to our channel, Akshana ma'am, and thank you. Very, very congratulations for this song, which is in Bhojpuri version. First of all, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका experience कैसा था एक already made song को Bhojpuri में वापस एक और तरीके से revamp करके लेके आना. बहुत ज़्यादा challenging था और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, बट एट द सेम टाइम बहुत एक्साइटिंग भी था, बिकॉज नया कुछ करने का मौका मिल रहा था. एंड आई एम सो हैप्पी कि लोग इस गाने को बहुत पसंद भी कर रहे हैं. वैसे आजकल रीमिक्स, पुराने गाने के रीमिक्स करना बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन ट्रेंड है. नया ही गाना है जो ऑलरेडी पॉपी था एंड उसी को आपने एक अलग भाषा में लेके आया. सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड यू नो गेटिंग दिस सॉन्ग लाइक. आई थिंक ये सवाल तो सबसे पहले टी सीरीज चैनल से करना चाहिए, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट है. यू नो आई थिंक पंजाबी वर्जन है ना, हिंदी पंजाबी वर्जन वॉज सो आई थिंक सक्सेसफुल सॉन्ग. उसके बाद भोजपुरी वर्जन लाने के लिए मुझे चूज़ किया गया, ये बेहद बड़ी बात है. एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे ये गाना मिला. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट आई एम सो हैप्पी कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं इस गाने को. वैसे काफ़ी सारे भोजपुरी फिल्मों में तो आप ऑलरेडी आ ही चुकी हैं, लेकिन काफ़ी सारे फैंस जो चाहते हैं कि अब आप बॉलीवुड फिल्म में भी करें, तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस चीज़ में ख्याल एकदम पक्का है, मैं एकदम मेहनत मैं लगी हुई हूँ, मेहनत कर रही हूँ और आई होप बहुत जल्द नज़र आऊँगी भी. होपिंग फॉर द बेस्ट. वैसे ये गाना वैसे तो नॉट सो वेरी पॉपुलर तो हम कह ही नहीं सकते, बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर सॉन्ग था एंड ये भी पॉपुलर होने की कगार पे ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कुछ फैंस हैं उनके कमेंट्स हम पढ़ें और आप प्लीज इसको प्लीज रिएक्ट भी करें. नहीं, आप पढ़ें. okay. आप पढ़ें क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है. अक्षरा सिंह को हिंदी के कलाकारों के साथ फिल्में करने का मौका देना चाहिए, इनकी एक्टिंग भी हिंदी कलाकारों से कम नहीं है. ओह, थैंक यू वेरी मच, मींस अ लॉट. नेवर टायर्ड विद दिस मास्टरपीस. सो क्यूट. वोकली यू हैव अ ग्रेट टोन एंड रियली गुड कंट्रोल ऑन द हाई नोट्स, अ ग्रेट ओवरऑल परफॉर्मेंस. थैंक यू वेरी मच. Wow. Song in the voice of Akshara saying that melts my heart slowly slowly in this song. Bhojpuri language such a divine that always gives energy and inspiration. Wow, yaar. Wonderful. It means a lot to me. I'm grateful. Lajawab gaya gana gayi hai Akshara Singh ji. Madhur jawab aur behtareen video ki. Thank you. This song is awesome, professionally made video and song. This will definitely change the perspective towards a Bhojpuri song. Wow. इसी के साथ It will. हम जानना चाहेंगे कि आपका director के साथ कैसा आपका ये रहा था and कैसे आपने ये song shoot किया, क्या-क्या memories थी आपकी? इस गाने के जो director हैं मुदस्सर जी, वो बहुत ही प्यारे soul हैं और he is very creative. और मुझे हमेशा से ऐसा रहा था कि मैं उनके साथ काम करूं और मुझे ये इस गाने के ज़रिए मिला ये मौका, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला. एंड अब काम करते करते यू नो हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए एक ही दिन में. एंड होपिंग फॉर द बेस्ट. आई थिंक आगे और भी बहुत सारे गाने साथ में आएंगे हमारे. मस्ती बहुत ज़्यादा किया हमने, मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया, बिकॉज पहला ऐसा गाना है जिसको हमने 24 घंटे बिना सोए यू नो भाग भाग के जा रही थी, चेंज कर रही थी, फिर सेट पे आ रही थी, फिर चेंज कर रही थी, फिर सेट पे आ रही थी.
तो हमने बहुत मेहनत किया बिकॉज़ टाइम बहुत कम था, मुझे भी नेक्स्ट डे दूसरे शूट पर जाना था, कमिटमेंट्स थे मेरे और उनका भी कुछ काम था, तो हमें एक दिन में ही एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना था गाना। तो हमने बहुत मेहनत की और उसका रिजल्ट है आप लोगों के सामने। मैं जितने भी फैंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा की तरह यूं ही बनाए रखिए और इस गाने को और ज़्यादा भर भर के प्यार दीजिए, और भी मैं आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी अलग अलग काम के ज़रिए, एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। थैंक यू। माई फेवरेट पार्ट ऑफ द सॉन्ग इज नैना नैना में नैना नैना चार कैसे हो गया, ना जाने कैसे खुमार हम पे हो गया। ये दो लाइन है जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है।